पहली बार जब हम मिले हाथ। सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बनाएंगे जैसा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा वैसा ही ट्रेंडिंग लिरिकल स्टेटस। तो इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा, तभी जाके आप इस टाइप का स्टेटस बना सकेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो स्टेटस है वो बनेगा एलाइट मोशन एप्लीकेशन में, यहाँ पे बहुत से आपको अलग अलग इफेक्ट डालने होंगे और फोटो भी में इफेक्ट देना होगा। तो कैसे इफेक्ट देना है सारी बातें मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एलाइट मोशन एप्लीकेशन की। अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने दोस्तों प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, फिर यहां पर आपको वन बाय वन का जो ऑप्शन रहेगा वो वाला एस्पेक्ट रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों रेजोल्यूशन 720 या तो फिर 1080 लेना है, फिर फ्रेम रेट 30 FPS ले लेना है और क्रिएट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब दोस्तों यहां पर बैकग्राउंड इमेज को यहां पर ऐड करना है। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सारी चीजों को डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें आपको बैकग्राउंड इमेज भी मिल जाएगी, तो उसमें दोस्तों बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड करते हैं, प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है, फिर यहाँ पे मीडिया पे आ जाना है, फिर यहाँ पे जो व्यू ऑल वीडियो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मीडिया वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप कर देना है, फिर व्यू ऑल फोटोज एंड वीडियो है उसके ऊपर टैप कर देना है। अब दोस्तों जो बैकग्राउंड इमेज है उस वाले इमेज को सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देना है। तो दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड इमेज को लेना है, फिर प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना तो फोटो यहाँ पर सेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जितने भी सेकंड का आपको स्टेटस बनाना है उतने सेकंड तक इस इमेज को आपको आगे तक खींच लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो इमेज को केवल 10 सेकंड का ही बनाऊंगा। तो मैं इसको 10 सेकंड तक आगे खींच लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट वाले पॉइंट पे आना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सॉन्ग को ऐड करना है, जिस भी सॉन्ग पे आपको स्टेटस बनाना है उस वाले सॉन्ग को ऐड करना है। तो सॉन्ग को ऐड करने प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, फिर से मीडिया पे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे जो नीचे के साइड पे साउंड का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर टैप करना है, फिर व्यू ऑल ऑडियो पर चले जाना है। अब दोस्तों आपके फोन में जितने भी सॉन्ग हो गए सारे सॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे गए, उसमें जो भी सॉन्ग चाहिए उसके आगे प्लस का आइकन दिखेगा, उस वाले प्लस के आइकन पर टैप कर देना है तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों सॉन्ग को आपको प्ले करना है, फिर जिस भी पार्ट पर आपको बनाना है उस वाले पार्ट पर आपको आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो सॉन्ग है वो 18 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे का जो फालतू का पार्ट है उसको हमें यहाँ पे हटाना। तो आपके भी सॉन्ग में जो आगे का पार्ट है उसको हटाना है, तो उसके लिए दोस्तों जो पहला वाला ऑप्शन देख रहा है उसके ऊपर टैप कर देना तो आगे का पार्ट हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों सॉन्ग लेयर पर टैप करके रखना है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर सेकंड दिखेंगे तो वहाँ पर जीरो हो जाए उतने तक आपको ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे 0-0 हो गया, तो दोस्तों सॉन्ग एकदम स्टार्ट पॉइंट पे आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लिरिक्स ऐड करना है, तो लिरिक्स ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको सॉन्ग को सुनना है और जो भी लिरिक्स आते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना। तो सबसे पहले आपको सॉन्ग को सुन लेना एक बार। तो यहाँ पर मेरे जो पहले लिरिक्स है वो आ रहे हैं वो पहली बार, तो आपके सॉन्ग में जो भी चीज़ आती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो स्टार्ट वाले पॉइंट पे आना है, फिर यहाँ पे एक बार बैक आना है, फिर प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर यहाँ पर जो भी लिरिक्स आए वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मेरे सॉन्ग में आए वो पहली बार। देन दोस्तों कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, देन यहाँ पे कोई आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करें क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का है, तो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट के कलर होंगे ब्लैक ही रखने होंगे। तो ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पर चला जाना, फिर इसमें से आपको जो भी फॉन्ट पसंद हो उस वाले फॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर देना। दोस्तों अगर आपको यही फॉन्ट चाहिए तो इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके एलाइट मोशन में ऐड कर लीजिएगा, तो ये फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे लिरिक्स आ चुके हैं। अब दोस्तों इस वाले लिरिक्स को आपको एक बार सुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉन्ग के साथ लिरिक्स को आपको मिलाना है, तो मेरे जो लिरिक्स है वो एकदम सॉन्ग के साथ मिले हुए केवल 2 सेकंड के, तो 2 सेकंड के साथ एकदम कंप्लीट मिले हुए। अगर आपके जो लिरिक्स एकदम सही से नहीं मिले हैं तो इसको आप कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप छोटा बड़ा करके आपको सॉन्ग के साथ लिरिक्स को मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा एनिमेशन देना, तो जो लिरिक्स वाले लेवल पर टैप कर देना। उसके बाद दोस्तों मूव ऑन ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है उसके ऊपर चले जाना है। सबसे पहले तो इसको आपको यहाँ पे नीचे रख देना है इस टाइप से, ठीक है। नीचे रख दिया, अब दोस्तों प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है, फिर यहाँ पर 0.2 पर आ जाना है, 0.2 कर लिया। अब इसको आपको यहाँ पे बीच में रख देना, जो यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है डॉट को आपको एकदम बीच में रखना है, ठीक है। लिरिक्स को बीच में नहीं रखना है, जो डॉट है उसको आपको एकदम बीच में रख देना है, तो लिरिक्स बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एकदम बीच में आ चुके हैं। अब दोस्तों एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे चले जाना, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो 2.0 है, तो आपका जो भी है उसको आपको एक बार देख लेना, उससे आपको 0.2 आगे आ जाना है, ठीक है। तो 0.2 में आगे आ गया, अब प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है, फिर लास्ट वाला पोजीशन पे आ जाना है, और दूसरी इसको आपको यहाँ से एकदम यहाँ पे हटा देना है, तो ये वाला इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन दोस्तों दूसरा हमें इफेक्ट डालना है, जो ब्लर वाला इफेक्ट और दोस्तों जो सेक वाला इफेक्ट है वो इफेक्ट हमें यहाँ डालना है। तो डालने के दोस्तों यहाँ पे जो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर चला जाना है, फिर एड इफेक्ट पर जाना है, फिर यहाँ पर आपको आ जाना है ब्लर में। ब्लर में जाने पर दोस्तों जो यहाँ पे नीचे की साइड पर आपको मिलेगा,
मोशन ब्लर, उसको आपको टैप कर देना है। देन यहाँ से बैक आना है, फिर से इफेक्ट पे जाना है। अब दोस्तों फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आगे आ जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, और यहाँ पर जो ऑटो सेक है उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा लायरिस का जो इफेक्ट था वो अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर लायरिस के हमारे जो इफेक्ट थे वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट स्टेट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे आगे का लायरिक्स ऐड करना है। तो लायरिक्स आगे का ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लायरिक्स वाले लेयर पे टैप कर देना है, फिर तीन डॉट वाले उस पर टैप करना है, फिर डुप्लीकेट लेयर आपको क्रिएट कर देना है। डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किया उसके ऊपर टैप करना है और इसको यहाँ से आपको आगे ले जाना है, ठीक है। जहाँ से दूसरा लायरिक स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा लायरिक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और हमें प्ले करके देख लेना है। तो दूसरे जो मेरे लायरिक्स है वो है जब हम मिले, तो इसके ऊपर आपको टैप कर देना है, फिर एडिट टेक्स्ट पे चले जाना है, फिर इसको यहाँ से हटा देना है और जो भी दूसरे लायरिक्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर था जब हम मिले, ओके। देन इसको राइट ब्राउज़र पे टैप कर दो, तो दूसरे लायरिक्स हमारे ऐड हो चुके हैं और इसको भी आपको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसी टाइप से आपको आगे आगे जो है आपको आगे तक लेके जाना है दोस्तों। इसके आगे का लायरिक्स ऐड करके फिर से इसके ऊपर टैप करके फिर से तीन डॉट वाले उसमें जाना है, फिर इसके ऊपर डुप्लीकेट क्रिएट कर देना है और इसको आपको आगे ले जाना है। और यहाँ पर भी आपको सॉन्ग को सुन लेना है और आगे के जो लायरिक्स है वो यहाँ पर आपको एडिट कर देना है। तो इसके ऊपर लेयर पर टैप कीजिए, एडिट टेक्स्ट पर जाइए और इसको यहाँ से हटा दीजिए और जो आगे का लायरिक्स है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो दोस्तों लायरिक्स को लिखने के बाद दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे हमने इसका डुप्लीकेट किया, तो आगे का जो लायरिक्स है वो सभी दो दो सेकंड के। और दोस्तों यहाँ पर आगे का सॉन्ग अगर आपका जो एक सेकंड में ही आपके जो लायरिक्स बोल है वो सिर्फ एक सेकंड के या तो फिर तीन सेकंड के, तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने हो। जैसे कि जो लायरिक्स केवल दो सेकंड के और यहाँ पर अगर आपको सॉन्ग को प्ले करते हो तो मान लीजिए यहाँ पे आपका लायरिक्स खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका हमें छोटा करना होगा। तो छोटा करने के दोस्तों यहाँ पे लेयर पे टैप कर देना है, फिर यहाँ से आपको आगे का पार्ट हटा देना है, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट वाला जो इफेक्ट था वो इफेक्ट भी यहाँ पे अब नहीं रहेगा, तो इफेक्ट हमें फिर से ऐड करना होगा। तो अगर आपके सॉन्ग में यही प्रॉब्लम होता है तो आपको जो भी सॉन्ग जहाँ पे लायरिक्स खत्म होते हैं वहाँ से आपको कट कर देना है। अगर आप तो लंबा है तो आपको इसको लंबा करना होगा, तो लंबा करके दोस्तों जो इफेक्ट यहाँ पे फिर से आ जाएंगे तो इसको आपको माइनस करना होगा। तो माइनस करके इसके ऊपर टैप करके रखिए, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर टैप कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए और इसको भी आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे हट जाएगा। अब दोस्तों इसको आपको छोटा बड़ा जो भी करना है उसको आपको कर लेना है, तो आपको एक बार इसको प्ले करके देख लेना है। तो अब दोस्तों ये जो मेरे जो लायरिक्स है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे जिसका छोटा कर दूंगा उसके बाद दोस्तों हमें इफेक्ट देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख लेना है 5:29 पर है, तो दो आपको माइनस पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 27 से 26 पे आ जाऊँगा, प्लस वाले आइकन पे टैप कर दूंगा, एकदम लास्ट में चला जाऊँगा और इसको यहाँ से आपको हटा देना है। तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको भी अपने सॉन्ग के हिसाब से एकदम परफेक्ट इसको सेट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको पूरे सॉन्ग में लायरिक्स को ऐड कर देना है। लायरिक्स को ऐड करना दोस्तों आपको यहाँ पे जो PNG मैंने ऐड की है कार्टून की, वो PNG ऐड करें। तो कार्टून की PNG ऐड करके यहाँ पे आपको आ जाना है बैक, उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है प्लस वाला आइकन पे, सभी पर कार्टून PNG आपको डाउनलोड कर लेनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, तो सभी PNG को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने दोस्तों आपको आ जाना है मीडिया पर, फिर जाना है यहाँ पे ये मीडिया वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे आपको जो व्यू ऑल फोटोज एंड वीडियो पे चला जाना, फिर अब उन सभी फोटोज़ को यहाँ पे एक एक करके ऐड कर, तो फोटो कर लेना है, फिर प्लस आइकन पे टैप कर देना है, उसके बाद दोस्तों फोटो की साइज आपको छोटी कर लेनी है और दोस्तों यहाँ पर या फिर आपको जहाँ पे सही लगता है वहाँ पर इसको सेट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो जो फोटो है आपको लायरिक्स के हिसाब से रखनी है, जितना भी आपको लायरिक्स लंबे रहेंगे उतने आपको रखनी है। अगर आपके लायरिक्स लंबे हैं तो इसके ऊपर टैप करना है, फिर इसको आप यहाँ से लंबा कर सकते हैं, और अगर छोटे हैं तो इसके हिसाब से आप छोटा भी कर सकते हो। तो आपको लायरिक्स के लेयर के साथ इसको मिला के रखना है। तो मेरे ये देखिए लायरिक्स के लेयर के साथ मिले हुए, उसके बाद स्टार्ट वाले पॉइंट पर आना है, फिर फोटो वाले लेयर पर टैप करना है, फिर इसको सबसे पहले आपको एकदम नीचे रख देना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, फिर प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है, फिर यहाँ पर 0.2 आपको कर देना है, ठीक है। जितना आपने लायरिक्स पर रखा उतना आपको रखना है। 0.2 लायरिक्स में रखा है तो 0.2 रखना है, 0.3 रखा है तो 0.3 रखना है, फिर यहाँ से आपको इसको ऊपर ले लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऊपर लेना है और आपको देख लेना है एकदम भाई सही से आ गई है। तो देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ गई है, और सही से नहीं आई तो आप इसको एकदम सही से यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। तो
तो एकदम परफेक्ट है, देन दोस्तों एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाना है जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 0.2.0 पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से 2.0 आपको आगे आ जाना है, प्लस वाला आइकन पर टैप कर देना है और फिर से एकदम लास्ट में आ जाना है और इसको यहाँ से आपको ले जाना है जहाँ पर हमने लिरिक्स ले गए इस टाइप से, देन ओके। देन दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको फोटो लेयर पे टैप कर देना है, फिर आपको आ जाना है ब्लेंडिंग ओपासिटी पे, इसका ओपासिटी आपको थोड़ा सा कम कर देना है, ओके। देन हम इस थोड़ा सा हम इसमें ब्लर का इफेक्ट ऐड कर देंगे, ब्लर का इफेक्ट ऐड कर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, ऐड इफेक्ट पे चले जाना है, फिर जो मोशन ब्लर है उसको आपको यहाँ पे ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे दूसरा लिरिक स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको आ जाना है, प्लस वाला आइकन पर टैप कर देना है, फिर से मीडिया पर जाना है और दूसरी वाली पीएनजी यहाँ पे ऐड कर देनी है। दूसरी वाली पीएनजी को लेकर फिर से प्लस वाला आइकन पर टैप कर देना है, इसकी साइज़ भी आपको छोटी कर देनी है अपने हिसाब से जितनी आप रखना चाहते हैं, इसको भी आप यहाँ पर रख दीजिए, इसको आप यहाँ पर नीचे ले जाइए इस टाइप से, देन इसको भी आपको सोंग के लायरिस के साथ ही रखना है। तो मेरा ऑलरेडी सोंग के लायरिस के साथ ही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी फोटो रहेगी सोंग के लायरिस के साथ ही रखनी है। फिर स्टार्ट वाले पॉइंट पे आना है, फोटो लेयर पे टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफर पे चले जाना है और जो हमने जो पहले जो प्रोसेस किया वही सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर भी कर देना है, फिर से प्लस कर देना है। तो यहाँ पर 0.1 है तो 0.3 पर हम चले जाएंगे, फिर हम इसको इस टाइप से ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए एकदम परफेक्ट आ गई है, तो एकदम परफेक्ट आ गई है, तो एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाना है और इससे 2 पॉइंट आगे आ जाइए, प्लस वाला आइकन पे टैप कर दीजिए, एकदम लास्ट में आ जाइए और इसको भी आप हटा दीजिए जैसे कि हमने लायरिस को हटाया है। जो हमने पहले प्रोसेस किया वही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है, तो इसको भी आपको जाना है ब्लेंडिंग ओपेसिटी में, इसका ओपेसिटी आपको कम कर देना है, फिर इसमें इफेक्ट ऐड करना है, जो इफेक्ट हमने उसमें ऐड किया था वही इफेक्ट हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। तो यही चीज़ आपको पूरे स्टेटस में आगे तक कर देने हैं, ठीक है। जो भी जितने भी लायरिक्स आपने ऐड किए सभी आपको फोटोज़ भी ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे हमारे लायरिक्स खत्म होते हैं, दूसरे लायरिक्स जहाँ पे स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आ जाना है, प्लस वाला आइकन पर टैप कर देना है, मीडिया पर जाना है, फिर से आपको एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर देनी है और फिर यहाँ पर इसको भी जो हमने सभी प्रोसेस पहले किया वही सारे प्रोसेस आपको यहाँ पर कर देना है। तो इसी टाइप से आपको पूरे स्टेटस में जितना भी लंबा आपका स्टेटस रहेगा सभी में आपको फोटो अलग अलग आपको इस टाइप से ऐड कर देनी है। और दोस्तों अब हम यहाँ पे पार्टिकल्स ऐड करते हैं, तो पार्टिकल्स वीडियो का लिंक आपको मिल गया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस वाले वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है, ऐड करने का प्लस आइकन पर टैप कर देना है, फिर मीडिया पर जाना, फिर उस वाले वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना है, तो इस वाले वीडियो को लेना है, फिर प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ से इसका साउंड आपको ऑफ कर देना है, देन दोस्तों यहाँ पर ब्लेंडिंग ओपासिटी पे आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको एकदम नीचे आ जाना है डिफरेंस में और जो सबसे पहला वाला है वो आपको ले लेना है, तो इस टाइप से कलर इसमें इफेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा पूरा स्टेटस कंप्लीट बन गया, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर आपका स्टेटस खत्म हो रहा है जितने भी लायरिक्स आपने लिए हैं वहाँ पर एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाना, जैसे कि मेरे यहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पर आना है, देने सभी लेयर को आपको इतना कर देना है। तो यहाँ से आपको हटा देगा आगे पार्ट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग को भी हटा देंगे, देन दोस्तों हमारा जो बैकग्राउंड है उसको भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा वीडियो कंप्लीट बन गया, अब दोस्तों यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करना है दोस्तों सेटिंग के बाजू में पे चले जाना है, देन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा तो एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पे प्रीप्रिंट टू एक्सपोर्ट लिखा हुआ आ जाएगा, देन थोड़ी ही देर में यहाँ पे 100% हो जाएगा। और दोस्तों जैसे यहाँ पे 100% हो जाएगा उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर में आपको सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर आपको टैप कर देना है, जैसे इसको टैप कर दो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।